कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल ने ओमिक्रॉन के तीसरे वेरिएंट की तशखीस कर दी। तीसरे वेरिएंट को BA.2.1.2 का नाम दिया गया है, जिसके बाद महकमा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया है। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी में मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। इरफान बताएगा। आगा खान यूनिवर्सिटी ने अपने ओमिक्रॉन के हवाले से तीसरे वेरिएंट की तशखीस हो गई है, जिसके बाद महकमा सेहत सिंध की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले हमने देखा था कि कोरोना के हवाले से तमाम जो हॉस्पिटल थे वहाँ पर मुकम्मल तैयारी रखी गई थी, कोई भी मरीज था उसको वहाँ आने वाले मरीजों को मुकम्मल तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही थी। ताहम सूरत हाल अभी तक कंट्रोल है। ताहम तिब्बी माहिरीन का कहना है कि तीसरे वेरियंट की तशखीस के बाद अगर ये इसके ओमिक्रॉन के केसेस के अंदर ही थी, ताहम सूरत हाल अभी तक कंट्रोल है। ताहम तिब्बी माहिरीन का कहना है कि तीसरे वेरिएंट की तशखीस के बाद अगर ये इसके ओमिक्रॉन के केसेस के अंदर इजाफा होता है तो ऐसी सूरत में एक बार फिर जो शहरी उनको एहतियात से काम लेना पड़ेगा, मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिस तरीके से पहले कराची के शहरियों ने एहतियात किया था, जिस तरीके से पहले मास्क का इस्तेमाल किया था और फिर हमने कोरोना को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी थी, इसी तरीके से तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर तीसरे वेरिएंट का की तशखीस होती है तो ऐसी सूरत में एक बार फिर कराची के जो शहरी हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होगी कि वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर एहतियात करें। जी शुक्रिया इरफान आपका।